जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ई व्याख्यान माला में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के ऊपर हम बोलने वाले हैं वो है कि चाइना जो हमारी मीडिया का सोशल मीडिया का वेपनाइजेशन कर रहा है उसके साथ हम कैसे निपटे, और दूसरा विषय जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे वो है कि चाइना के वीक पॉइंट्स क्या है। तो मैं आज आपका सबका स्वागत करता हूं इस ई व्याख्यान माला के अंदर। हमारा जो विषय है इसके ऊपर मैंने बताया है कि जो वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया है इससे हम कैसे निपटे, और इस सोशल मीडिया का हमारी देश की सुरक्षा के लिए, हमारी देश की एफिशिएंसी के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल करें। और हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि चाइना की जो अलग अलग वीक पॉइंट्स है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक बात बिल्कुल आपको साफ नजर आनी चाहिए, साफ समझनी चाहिए कि चाइना इज नॉट 7.5 feet टॉल। उनकी भी बहुत कमजोरियां है। अगर हमारी देश की कमजोरियां है तो उनकी भी है। अगर हम उनकी कमजोरियां के बारे में पता लगा सकते हैं तो इसका इस्तेमाल जो लड़ाई वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं इसमें अच्छी तरह से लड़ने के लिए हम कर सकते हैं। तो ये दो विषय हमारे साथ होंगे, और इन दो विषयों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड आर्मी ऑफिसर है, मेजर जनरल नितिन गडकरी। इनकी बातचीत आपने लास्ट थर्सडे को भी सुनी थी और इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा था। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप बहुत लोगों ने उसे लाइक किया था और ये लिंक भी आप लोगों ने शेयर कर ली थी। तो वेरी ब्रीफली मैं उनके बारे में एक बार फिर आपको बता दूं कि ये एक उनकी फौज में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा सर्विस हुई है। ये आर्टिलरी यानी कि तोपखाने के अधिकारी है, और हमारी देश की जो सबसे पहली बफोर्स रेजिमेंट थी इसे रेस करने का काम उनके पास था। और आपको याद ही है कि कारगिल लड़ाई के अंदर बफोर्स ने कितना अच्छा काम किया है, इसके साथ आप सब ज्ञात है। इसके सिवाय उन्होंने अपने सर्विस में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, यहाँ पे काफ़ी काम किया हुआ है। उनको इस सीमा के ऊपर लड़ने का अच्छा एक्सपीरियंस है। और इतना ही नहीं, तो एक सोल्जर होने के बावजूद वो जो हमारी आर्म फोर्सेस की जो टीचिंग एस्टेब्लिशमेंट्स होती है, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होती है, वहाँ पर भी उन्होंने सिखाने का काम किया है। दो का मैं मेंशन करूँगा। एक तो वो जो हमारा कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो सिकंदराबाद में है, वहाँ पे वो कर्नल के रैंक के ऑफिसर्स को मैनेजमेंट के बारे में सिखाते थे। इसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर काफ़ी बड़ा काम किया हुआ है कि जो दहशतवादी है या एंटी नेशनल है उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों वो इस प्रकार के उल्टे काम करते हैं। इसके सिवाय जो हमारा सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है आर्मी वॉर कॉलेज, यहाँ पर भी उन्होंने सिखाने का काम किया है। और रिटायरमेंट के बाद वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर बहुत ही एक्टिव है। अगर आप अलग अलग थिंक टैंक देखते होंगे तो आप उनके आर्टिकल्स रेगुलरली इस विषय के ऊपर पढ़ते होंगे। तो ये एक क्वालिफाइड ऑफिसर है, और आज उनका जो इस विषय के ऊपर का जो ज्ञान है इसका हम इस्तेमाल करेंगे हमारी पब्लिक एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी सबसे पहले जो हमारा सवाल है उससे। हमने वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया इसके बारे में पहले तो बात की थी, इसका एक ही पहलू हम और लेने वाले हैं कि जो हमारा इंफॉर्मेशन स्पीयर है, यानी कि इसमें प्रिंट मीडिया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें डिजिटल मीडिया है, इसमें सोशल मीडिया है, ये बहुत ही जल्दी से चेंज हो रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ कि मराठी में एक न्यूज़पेपर है, उसका जो प्रिंट ऑर्डर है यानी कि जो कॉपीज प्रिंट होती है 1 lakh के आसपास है, लेकिन उनकी जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया के ऊपर 10 lakh से ज़्यादा लोग उसे रोज पढ़ते हैं। यानी कि डिजिटल मीडिया की जो व्याप्ति है वो 10 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया। और इतना ही नहीं, अगर आप टीवी चैनल्स देखेंगे जो जो न्यूज़ टीवी चैनल्स है उनके वेबसाइट के ऊपर या उनके यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा लोग आते हैं कंपेयर टू जो उनका TRP एक्चुअली चैनल का है। और सोशल मीडिया का जब तो बात करें तो ये एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसके बहुत अच्छे फायदे हैं और काफ़ी सारा नुकसान भी है।
तो ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें एक चीज समझनी बहुत ही जरूरी है कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या प्रोपोगंडा वॉरफेयर है, वो आज हमारे मोबाइल पे घुसा हुआ है, आज हमारे लैपटॉप पे घुसा हुआ है, आज हमारे व्हाट्सएप पे घुसा हुआ है। तो इसीलिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और मोर इम्पॉर्टेंट, हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम डिसइंफॉर्मेशन का शिकार कैसे ना बने, और अच्छी खबर आगे फैलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम पहले बातचीत करेंगे जनरल गडकरी के साथ। तो मैं उनको निवेदन करता हूं कि इस विषय के ऊपर आपके विचार सामने रखें। जनरल गडकरी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू व्यूअर्स। पिछले थर्सडे को हमारा इस का पहला कार्यक्रम हुआ था जिसमें डिजिटल वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई थी, और उसी को लेकर आज ये दूसरा भाग है। पहले वेपनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद चीन जो कि हमारा मुख्य जिसे कहते हैं एनिमी नंबर वन है आजकल, उसकी तरफ से जो खास करके सोशल मीडिया पे अटैक हो रहा है, तो हम जाएंगे कि चीन की कमजोरी क्या है, जैसे ब्रिगेडियर हेमंत महाजन साहब ने बताया था। लेकिन सबसे पहले जो सवाल था उनका कि ये इंफॉर्मेशन स्फीयर क्या है। पिछली बार हमने जो सोशल मीडिया लिया था, सोशल मीडिया ये इंफॉर्मेशन स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है। इंफॉर्मेशन स्फीयर आजकल जो है एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है इसका, और इसका डेफिनेशन रियलिटी में भी है और आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक मेटाफिजिकल इंग्लिश में उसका शब्द। रियलिटी में आप देखो तो जो आपका डेटा है, जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका कंप्यूटर है, जो आपके नेटवर्क्स हैं, ये सब मिला के साइबर स्पेस है, तो ये सब मिला के इंफॉर्मेशन स्फीयर बनता है। इंफॉर्मेशन स्फीयर का दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें कि साइबर स्पेस एक दायरा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन स्फीयर सारे जो ये आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडियाज हैं उनको इनकम्पस करता है, और इसीलिए इस दायरे के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसका कारण यह है कि इस दायरे के कोई रूल्स नहीं बनाए हैं किसी ने। जैसे कि प्रिंट मीडिया साहब ने बताया, प्रिंट मीडिया जो है, जो एडिटर है, जो प्रिंट हाउस है, रिस्पॉन्सिबल है कि कल कोई खबर छापता है तो लोग पूछेंगे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी, क्या इसके पास ऑथेंटिकेशन है। तो इंफॉर्मेशन स्फीयर में जो एजेंसीज हैं उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इसमें आपके व्हाट्सएप के चैट भी आ जाएंगे, आपका इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, आपका जो न्यूज़पेपर डिजिटल चलता है जैसे ग्रेविटास है, वो कई तरह से हैं जो कि नाम बिना नाम किए अपने चला देते हैं, रोज के रोज जो है यूट्यूब पे खबर दे देते हैं अपने आप बिना किसी ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी के कारण जो चेंज हो रहा है, दिस इज द चेंज, कि लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इंफॉर्मेशन स्फीयर में लोग ऐसे अवेलेबल हैं जो देने के लिए मौजूद। प्रॉब्लम यह है कि यही लोग इसको ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक्स मिले मुझे। बेसिकली क्या लाइक्स मिले, किसको लाइक्स मिलते हैं? लाइक्स जो हैं, जो चीज़ ज़्यादा मन को भाती है, और अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव चीज मन को ज्यादा भाती है। किसी के किसी से झगड़ा हो गया वो सब जानना चाहते हैं, किसी ने किसी से प्यार से हाथ मिलाया वो किसको ही नहीं देखना चाहते। इसी के बेसिस पे ये चलता है, ये जो चेंजिंग स्फीयर ऑफ इंफॉर्मेशन है और चेंजिंग स्फीयर ऑफ सोशल मीडिया है, ये इस बेसिस पे चल रहा है। और इसीलिए जैसे उन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया जो है वेपनाइजेशन क्यों हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है टू चेंज थॉट, आदमी का विचार बदलना, आदमी की सोच बदलना, और जो सोच है उसको इन्हांस करना। जिसे कि एक शब्द पिछली बार इको चेंबर्स का क्या मतलब है कि आपकी जो सोच है वही इको कर रही है, वही आपको मिल रही है आपको सोशल मीडिया पे, तो आपको लगता है कि मैं तो सही हूँ, बिल्कुल सब लोग यही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और इसीलिए लोग जो है अपने दायरे में बढ़े जा रहे हैं। अपने दायरे में आजकल क्या हो गया है कि या तो आप लेफ्टिस्ट हो या आप राइटिस्ट हो, सेंटर जो है बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गया। और सेंटर क्या है? सेंटर वो है, सेंटर पाथ वो है जो कि मॉडरेट है, जिनके व्यूज ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट है ना एक्सट्रीम राइट है, लेकिन
इंफॉर्मेशन स्फीयर में सेंटर को बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया, लोगों को बांट दिया, या तो आप लेफ्ट थिंकिंग हो आप राइट थिंकिंग, लेफ्ट का मतलब है आप अपोजिट थिंकिंग हो जो सेंटर लाइन या राइट लाइन है, जैसे इंडिया में अपोजिट लेफ्टिस्ट है कम्युनिस्ट होंगे, और राइटिस्ट क्या होंगे, बीजेपी आरएसएस राइटिस्ट होगी, जो मॉडरेट पार्टी है वो उसका कोई कोई जगह नहीं है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन स्फीयर, और हर एक इंफॉर्मेशन स्फीयर में हर एक माध्यम, डिजिटल मीडिया भी चेंज कर रहा है, व्हाट्सएप भी चेंज हो रहा है, इंस्टाग्राम भी चेंज हो रहा है, आपके जो खबर आती है डिजिटल पेपर्स में वो भी चेंज हो रहा है, वो भी आपको वही देते हैं जो आप पढ़ना चाहते हो, एंड दिस इज वही है वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया। इसके अंदर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, हमने पहले भी बोला है, एक बार हम रिपीट करेंगे कि इस लड़ाई के अंदर हर एक इंडिविजुअल जो आज सोशल मीडिया के ऊपर है, प्रिंट मीडिया कहीं पर भी है, डेटा स्पीयर के अंदर है, इंफो स्पीयर के ऊपर है, तो ये एक सोल्जर है, तो ये एक पॉजिटिव काम क्या कर सकता है, क्योंकि निगेटिव काम, निगेटिव चीज़ें तो आपके पास आती रहेगी, तो पॉजिटिव काम मैं एक सोच रहा था कि अभी चाइनीज के साथ अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, तो होता क्या है कि चाइनीज मीडिया में हमारी कोई पेनिट्रेशन तो है ही नहीं, ना होने का कोई सवाल है, लेकिन अगर आप चाइना का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, या चाइना की जो टीवी मीडिया है, या चाइना की एक एक जैसे हमारी पीटीआई वैसे उस प्रकार की एक मीडिया है जिसका मैं नाम भी भूल रहा हूँ, तो उनको अगर आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल आप उनको भेज सकते हैं, और उनको समझो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हमारे बारे में तो हम उसको काउंटर कर सकते हैं, और उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो हर एक ईमेल को चेक करे, लेकिन अगर वहाँ पे उनका जो अल्गोरिदम होता है कि क्या उसने आपने किसी को गाली देने की कोशिश की, किसी को उल्टा चीज़ बात करने की कोशिश की, वो तो वो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे आपने बोला मॉडरेट अगर आप लैंग्वेज इस्तेमाल करके उनको बताना चाहेंगे कि भैया गलवान के अंदर आपकी कैजुअल्टी ज़्यादा हो गई थी, आपका जो ये थ्री वॉरफेयर वाला जो प्रकार है इसका कोई फायदा नहीं हुआ, या जो आपकी वुल्फ डिप्लोमेसी थी वो तो अभी आप चुपचाप से अभी आप वुल्फ डिप्लोमेसी से लैम्ब डिप्लोमेसी के ऊपर आ गए हैं, या जो भी अभी नया नाम दिया होगा, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये चाइनीज अल्गोरिदम को अगर आप बीट कर सकते हैं, और जो कुछ की फ्रेजेस जो उनकी अल्गोरिदम चेक करती है आपकी ईमेल, आपके मैसेजेस जो आते हैं उनकी मीडिया के पास, तो हम एक उनके खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉर शुरू कर सकते हैं, चाइना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी, या इसके सिवाय आज जो यूरोपियन मीडिया है अनफॉर्चुनेटली, जो अमेरिकन मीडिया है अनफॉर्चुनेटली, इसके अंदर भी हमारे देश के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा जाता है, वो अपना न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, तो इनको काउंटर करने में आपका क्या सुझाव है? अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया जो हमारे देश के खिलाफ लिख रही है, आज ही उन्होंने लिखा है कि हमारी जो कोरोना की या चाइनीज वायरस से जो कैजुअल्टीज हुई है वो 5 या 6 गुना ज़्यादा है, ये बेसलेस है, क्योंकि हमारी जो टोटल डेथ रेट आज इस देश की है वो तो ओपन मीडिया में अवेलेबल है, उससे ज़्यादा तो डेथ रेट हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए यूरोपियन मीडिया के अंदर किस प्रकार से हम लड़ाई करें, अपना अमेरिकन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, चाइनीज मीडिया, इसके ऊपर आपके विचार जनरल गडकरी। ये मुद्दा पिछले बार आपने उठाया था और मैंने उसका इस सवाल का जवाब ऐसे दिया था कि एक गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे जो कोई भी गलत न्यूज़ जैसे आप बोल कह रहे हैं वो फेक न्यूज़ में आता है, ये पूरा दायरा फेक न्यूज़ में आता है, एक डिपार्टमेंट, एक सेल फेक न्यूज़ मॉनिटर करने के लिए, जैसे मैंने उस समय बोला था ताइवान में है, वैसे करना बहुत ज़रूरी है ऑन अ डेली मिनट टू मिनट बेसिस, और उसका टाइम लिमिट होना चाहिए कि ये 24 घंटे अंदर जितनी फेक न्यूज़ है उसका रिबटल दें, रिबटल का मतलब है कि ये गलत है, उसका एक्सप्लेनेशन दें कि गलत क्यों है, और उसका प्रूफ दें कि ये गलत, ये जैसे कई बार देखा गया है कि वीडियो वायरल हो जाता है, पता लगा कि वो वीडियो पैलेस्टीन से है जबकि दिखा रहे हैं कश्मीर, तो जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि भाई ये 10 साल पुराना वीडियो है आज दिखा रहे हैं, तो वो उसके लिए रिबटल, रिबटल का मतलब उसको गलत साबित करना, उसको गलत बताना और प्रूफ देना, ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है एट द सेंट्रल लेवल, एट द मिनिस्ट्रीज लेवल, वेयर जो कि यही काम करे। अभी उसके लिए बजट देना पड़ेगा, उसके लिए आदमी देने पड़ेंगे और उसके लिए फोकस रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला है। जहाँ तक प्रिंट मीडिया का सवाल है, फॉरेन एम्बेसीज हमारी जो हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में जो यदि आप बोल रहे थे
कि जो खबर आई थी जो पैंडमिक के समय कि पूरे इंडिया में सिर्फ फ्यूनरल पार्ल्स ही जल रहे हैं, तो उसका जो है काउंटर देना कोई ना कोई आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में या न्यूयॉर्क टाइम्स का राइवल पेपर है जैसे, हो सकता है वाशिंगटन पोस्ट हो, उसके अंदर कोई ना कोई आपको सोर्स कल्टीवेट करना और जो उसका रिबटल है वो उसमें दें। तो ये जो है कॉन्स्टेंट वॉरफेयर बेसिकली, आप ये आपको पता होना चाहिए कि किसी का किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं, ये इंटरेस्ट का सवाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंटरेस्ट इसीलिए होगा कि हो सकता है चाइना ने उसको पे किया हो, उसका पाकिस्तान ने पे किया हो, कि चाइना और पाकिस्तान ज्यादा पे कर रहे हैं इसीलिए वो एंटी इंडिया खबर चल। यदि न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई दे रहा है तो हो सकता है वॉशिंगटन पोस्ट या कोई अदर जो है सीएनबीसी न्यूज को आप दे के भी रिबटल कर सकते हो। तो ये गेम आपको सुपीरियर तरीके से खेलने की जरूरत है। इसमें जो है ये कैट एंड माउस का गेम है, कौन आगे, इसे टॉम एंड जेरी का गेम है, कौन आगे जाता है ये डिपेंड करता है कि कौन कितना फुर्तीला है, स्विफ्ट जिसे कहते हैं, स्विफ्ट थॉट, स्विफ्ट ऑन द फीट एंड स्विफ्ट ऑन थिंकिंग। यदि तीन चीज आपके पास रहेगी तो आप इसको काउंटर करेंगे। और ये खत्म तो कभी नहीं होगा, आप ये कहोगे कि ये खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता है। आप ये गेम खेलते रहो, जितना खेलोगे उतना एक्सपर्ट होगे, उतना ही एक समय आएगा कि जैसे वो कर रहे हैं वो आप वो उसके अगेंस्ट भी कर सकते हो। तो दिस कॉन्स्टेंट मीडिया बैटल जो है चेंजिंग इन्फोस्फेयर में चलता रहेगा, उसके लिए आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज और डेडिकेटेड बजट की बहुत बहुत जरूरत। जैसे आपने कहा है कि ये 365 डेज की वॉर है, ये रोज ही लड़ाई चलती रहेगी, रोज अलग अलग राउंड होता रहेगा, रोज अलग अलग थीम्स होगी, तो वी हैव टू बी निम्बल फुटेड एंड एंश्योर दैट वी गिव द करेक्ट पर्सपेक्टिव एंड वी डू नॉट फॉल विक्टिम टू दिस थिंग। तो गवर्नमेंट कुछ करे, ये तो गवर्नमेंट शायद करना शुरू करेगी ही, लेकिन इंडिविजुअल्स भी हम रिप्लाई दे सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को या वॉशिंगटन पोस्ट को या चाइना के ग्लोबल टाइम्स को कि भाई आपने ये जो लिखा ये सही नहीं है। तो ये एक हमारे लेवल के ऊपर भी हम कर सकते हैं। अभी आज का जो मेन विषय है उसके ऊपर हम आ जाते हैं कि चाइना के वीकनेसेस। ये हम चाइना के बारे में वीकनेसेस ये विषय हमने क्यों लिया हुआ है, इसका कारण ऐसा है कि जब भी हम चाइना की बात करते हैं या किसी दुश्मन की, तो वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बताया जाता है कि भाई उनके पास गन्स है, उनके पास मिसाइल्स है, उनका बजट हमारे से 3 गुना ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमी हमारे से 4 गुना ज़्यादा है, जो कि उसमें से कुछ सच तो है लेकिन इतना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इज नॉट 7.5 फीट टॉल। चाइना का भी बहुत सारी वीकनेसेस है जिसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आज हम इस विषय के ऊपर फोकस करेंगे कि उनकी वीकनेसेस क्या है। 2-3 वीकनेसेस की जिसके बारे में हम आज नहीं ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये हमेशा मीडिया में आते हैं, उस पर बातचीत होती है। जैसे उनका एक वीकनेस है तिब्बत, तिब्बत के लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते, तिब्बत के दलाई लामा को चुनाव करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। शिनजियांग पूरी दुनिया जानती है कि 20 लाख से ज़्यादा उइगर आज जेल के अंदर है, तो आज उसके बारे में नहीं। इनर मंगोलिया ये जो माइनॉरिटीज के बारे में है उसके बारे में भी आज हम बात नहीं करेंगे। ये तो वीकनेसेस है उनके, लेकिन आज हम उनके 2-3 वीकनेसेस तो बहुत है, उसमें से 2-3 लेने की कोशिश करेंगे। एक तो है, मुझे लगता है कि चाइना का सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो है उनके प्रधान शी जिनपिंग। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वीकनेस है। और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने अपने खुद के लोगों के ऊपर एक बायोलॉजिकल वॉर लॉन्च किया जिसमें नुकसान उनका हुआ, खैर नुकसान दुनिया का भी हुआ है ये इस चाइनीज वायरस के कारण, लेकिन मैं आज इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई एक हेड ऑफ स्टेट अपने खुद के लोगों को एक गिनी पिग बनाता है और उनके खिलाफ ये वायरस टेस्ट करके देखता है कि ये वायरस क्या था। तो थोड़ा जिनपिंग और उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये उनका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये मैं उसको दूसरा बड़ा वीकनेस मानता हूँ, क्योंकि वो सोसाइटी को बहुत ही कंट्रोल करना चाहते हैं। और बहुत सी ज़्यादा लोग आज चाइनीज जो मेनलैंड चाइना में रहते हैं वो उसके बारे में बहुत गुस्सा है। और तीसरा है उनकी इकोनॉमी की, जो आज उसका स्टेट जिस प्रकार से लगता है उस प्रकार से नहीं है। काफ़ी बार मैंने बोला हुआ है कि शायद चाइना का विजय माल्या होने वाला है, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन उनकी बहुत सारी वीकनेसेस है। तो मेरे ख्याल से आज हम शुरुआत करते हैं कि दो सब टॉपिक को हम एक साथ ले सकते हैं कि शी जिनपिंग जो उनके चाइना के सबसे बड़े लीडर है वो, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये कैसा वीकनेस है और इसका फ़ायदा हम किस प्रकार से उठा सकते हैं,
इस विषय के ऊपर मैं आपको आमंत्रित करता हूं जनरल गडकरी। आज का जो मेन मुद्दा है वो चाइना की कमजोरियां क्या है। तो ब्रिगेडियर महाजन साहब ने जैसे आपको बताया कि तीन जो प्रांत उन्होंने बात की थी, टिबेट, जिनजियांग, इनर मंगोलिया, उसके साथ हांगकांग और ताइवान भी शामिल है, इसके ऊपर काफ़ी मीडिया में आ चुका है, लोगों को पता है और ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। हालांकि हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चाइना को मेजर इम्प्लोड अंदर से उसके अंदर रेवोल्यूशन लाना है तो इन भागों का किसी न किसी एक भाग का उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो तो बिना इन लोगों के शामिल हुए वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पूरा एक विषय है अपने आप में और इसके लिए एक अलग से क्या कहते हैं कोई सेशन हो सकता है। तो हम ताइवान को बाद में लेंगे क्योंकि ताइवान कुछ कनेक्टेड है बाकी से। तो जब हम वल्नरेबिलिटीज या कमजोरियां बोलते हैं वो हम बांटते हैं कि उनकी जैसे कई हिस्सों में बांटते हैं, पॉलिटिकल वीकनेसेस, जियोपॉलिटिकल वीकनेसेस, इकोनॉमिक वीकनेसेस, एनवायरमेंटल वीकनेसेस और जियो स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस, ऐसे 5-6 हिस्सों में बांट सकते हैं। आज जो है हम दो चीज बात करेंगे, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, क्योंकि उसके साथ यदि मुझे मौका दिया तो मैं जियो स्ट्रेटेजिक के ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी फोरम में मैंने इसको डिस्कस होते हुए नहीं देखा है, तो मे बी द लास्ट पार्ट वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो शी जिनपिंग, शी जिनपिंग चाइना जो है कहने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी रूल है, लेकिन चाइना इज एक्चुअली एन ऑटोक्रेटिक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को एक आदमी ही रूल करता है, वो है शी जिनपिंग। अभी चाइना में तीन मेजर पोस्ट हैं जो कि उनके गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं। सबसे पहले है चाइनीज प्रेसिडेंट, सेकंड इज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC, और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अभी शी जिनपिंग जो हैं ये तीनों एक साथ में एक है, ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द चेयरमैन ऑफ द मिलिट्री कमीशन एंड ही और वो सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। इसका मतलब उसके इनके पास पूरा पावर है, किसी के पास भी पावर नहीं। अभी पिछले साल उन्होंने क्या किया, पिछले साल उन्होंने अपने आप को आर्बिट्रेरिली कांग्रेस का जो उनका जो सेशन था प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया, यानी तीन में से एक तो उन्होंने संभाल लिया कि शी जिनपिंग प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो गए। लेकिन प्रेसिडेंट चाइना में एक सेरेमोनियल फंक्शन, सेरेमोनियल पोस्ट है, तो उसका इतना मायने नहीं रखता। आने वाले साल में यानी 2022 में चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट साल ये होने वाला है, क्योंकि इस समय शी जिनपिंग के 10 साल का रूल खत्म होता है। डेंग जियाओपिंग ने जो कि इनके पहले के एरा में थे एक रूल रखा था कि 2 टेन्योर से ज्यादा कोई भी इंसान चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी नहीं रह सकता। चाइना में सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ा जो कहते हैं पद है, जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर है वैसे सी जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी। तो उन्होंने क्या रखा था कि 2 टेन्योर से ज्यादा, इसका मतलब 10 साल से ज्यादा। 2012 में शी जिनपिंग का चुनाव हुआ था सेक्रेटरी ऑफ जनरल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, 2022 में नवंबर में उनको रिलिंक्विश करना है ये पद। उन्होंने अपने आप चेयरमैन ऑफ चाइना मिलिट्री कमीशन CMC जो कि नेक्स्ट जिसका किसके अंडर पूरा PLA आता है, सबसे पावरफुल बॉडी है, उसको भी अपना जो है हेड बना लिया है चेयरपर्सन। 2022 में उनको ये दोनों के दोनों किसी को देने पड़े, लेकिन अभी क्या हुआ है, यदि अगले साल इनको ये पदवी देनी है किसी को तो एक जिसे कहते हैं सक्सेसर नॉमिनेट करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली 2 साल या 3 साल पहले सक्सेसर को नॉमिनेट कर देते हैं ताकि उसको समय मिले ये सोचने के लिए, पता करने के लिए, समझने के लिए कि भाई किस तरह से चलता है कारोबार। अभी तक शी जिनपिंग ने अपना सक्सेसर नॉमिनेट नहीं किया, जिससे कि ये इंडिकेशन मिलता है कि उनका कोई इरादा नहीं है अपने इस पद को अगले साल देने के लिए। यदि ये नहीं करते हैं
तो ये जो है बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जो किसी कोई अपने आप को दिए हुए दायरे से बाहर चले। और जहां तक खबर मिलती है ये है कि वो ना ही सिर्फ अपने आप को एक्सटेंड देना चाहते हैं, वो अपने आप को जैसे प्रेसिडेंट उन्होंने अपने आप को बनाया, वैसे वो जनरल सेक्रेटरी से लेकर चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जो पदवी सिर्फ माओ को मिली थी, वो भी बनना चाहते, जिसके कारण की कंप्लीट सुप्रीमेसी ऑफ शी जिनपिंग हो जाएगी। भले ही उनका विचार ये क्यों ना हो, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में भी उनके अपोजिट बहुत से ग्रुप्स हैं। यदि उन्होंने ये सक्सेशन होने नहीं दिया तो काफ़ी लोग ताक पर बैठे हैं जो कि पहले बनना चाहते थे, आना चाहते थे, जो कि उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। आपको शायद ये मालूम हुआ कि शी जिनपिंग जब पहली बार आए थे 2012 में, सबसे पहला जो कैंपेन उन्होंने किया था वो था करप्शन को निकालना, और उस करप्शन को निकालने में उन्होंने कई सीनियर लीडर्स को जेल कर दिया था और पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया। 10 साल को इतना ज़्यादा समय नहीं होता है और वो सब इस ताक में होंगे कि किस तरह से बदला लिया जाए। एंड हियर इन लाइज चाइनाज बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी, सबसे बड़ी कमजोरी, कि यदि पावर स्ट्रगल चाइना में हुआ तो ये पूरा जो है कम्युनिस्ट पार्टी को जो ढांचा है वो खच्चा कच्चा होके नीचे गिर जाएगा, जिसके कारण कि बाकी देश विदेशों को मौका मिलेगा कम्युनिस्ट पार्टी का जो है उसके ऊपर किसी तरह से बाहर से मीडिया की तरफ से या और कोई इकोनॉमिकली जो है उनके ऊपर हमला बोलने के लिए, और एंड रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, चाइना का इन्फ्लुएंस जो विदेश में पूरे देश पूरे ग्लोब में फैला हुआ है उसको कम कर सकते हैं, और पूरा दारोमदार है शी जिनपिंग के ऊपर। इसका एक और दायरा है, शी जिनपिंग ने सक्सेसर नॉमिनेट नहीं किया, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है तो देर विल बी अ पावर वैक्यूम, कोई नॉमिनेशन के नहीं होने के कारण हर एक आदमी चाहेगा कि मैं बन जाऊँ। दिस पावर वैक्यूम विल लीड टू ग्रेट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा चाइना में यदि ये पावर वैक्यूम। So before I take up economics, I'll hand you back to. Yeah, आपने कहा कि अगर चाइना के चाइना इम्प्लोड होगा तो शायद अंदर से ज़्यादा इम्प्लोजन होने की शक्यता ज़्यादा है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और दूसरा, शी जिनपिंग के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में राइवल्स है और हर एक चाहेगा कि मैं CCP का सेक्रेटरी बनूँ या प्रेसिडेंट बनूँ या जो भी पोस्ट होगी वो बनूँ, लेकिन शी जिनपिंग अपने एम्बिशन के कारण उनको नहीं बनने देते। तो क्या ये जो उनके राइवल्स है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, क्या उनके साथ हम मिलाप कर सकते हैं कि नहीं? मेरे दिल में काफ़ी बार सवाल आता है कि अभी देखिए चाइना की चाइना का जो एम्बेसडर है, चाइनीज एम्बेसडर ने जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश की हुई है। खैर, उसमें कोई गलत नहीं है, अगर चाइना हमारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकता है तो क्या हमारी इंडियन एम्बेसी या इंडियन इंटेलिजेंसिया या इंडिया के कुछ और लोग अनऑफिशियली कॉल इट ट्रैक टू डिप्लोमेसी से अंदर हम चाइना के ये जो पावर होल्डर्स है CCP के अंदर उनके साथ अपनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या, जिससे जो पॉलिटिकल राइवलरी होगी वो सामने आएगी? जैसे कि जैक मा है, एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है और हर एक चाइनीज उसको उनको बहुत चाहता है क्योंकि उन्होंने चाइनीज को दिखा दिया कि अगर आप एंटरप्रेनर है तो आप दुनिया में क्या कर सकते हैं, लेकिन वो अभी बिल्कुल उनको नीचे डाउन किया हुआ है। तो इस प्रकार से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जो बाकी के लीडर्स के साथ उनके साथ अगर हम कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें तो कुछ फायदा, थोड़ी सी इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन इनोवेटिव आइडिया से ही हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। जनरल गडकरी, वैसे आप सोच को तो रोक नहीं सकते, सोच इज लाइक हॉर्सेस, कि आप बिना लगाम के कहीं भी जा सकती है। तो जो आपका सुझाव है वो आपने सुना होगा कि एक टर्म था पहले कम्युनिस्ट पार्टी, उसको आयन कर्टन कहते थे। आयन कर्टन का क्या है कि वो जो पर्दा जो आप हिला ही नहीं सकते। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, आनंद कृष्णन जो एक हिंदू का एक कॉरेस्पॉन्डेंट, 10 साल उसने चाइना में गुजारा, बहुत सुंदर किताब लिखी है, इंडिया चैलेंज। उसने ये लिखा है कि चाइना में बीजिंग में एक कंप्लीट विलेज या क्वार्टर हैं
जहाँ की कंप्लीट उनकी मिनिस्ट्री, उनके हाई रैंकिंग मेंबर्स सब रहते हैं और वहां एक्सेस किसी को नहीं, इवन इंडियन एम्बेसी को नहीं। कोई भी आदमी बिना परमिशन के उस क्वार्टर का मतलब है उस इलाके में जा ही नहीं सकता है। और इसे कहते हैं आइसोलेट कर दिया उनको, पूरा आइसोलेट कर दिया। तो प्रॉब्लम अनलाइक जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज या इंडिया में है कि जो पॉलिटिशियंस घूमते रहते हैं पब्लिकली, सब रैली करते रहते हैं और होटल में जाते हैं वहां जाते हैं, ये चीज चाइना में नहीं होती है। वो सब जो है वो अंदर उस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट करे उसी के अंदर बसा हुआ है। सो मैं ये नहीं कहता कि वो लोग ओपन नहीं है ब्राइब के लिए। सवाल ये उठता है कि आपको वो जो सब्जेक्ट है, आपका टारगेट है, जो जो कि अपोजिशन वाले हैं जैसे शी जिनपिंग के, बहुत ही खुश होंगे ऐसा कुछ हो तो, लेकिन उनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि या तो फिर वो कोई टूर पे जाएं। तो यदि हिंदुस्तान में आते हैं टूर पे, यदि किसी विदेश के टूर पे, तो उसको आप पकड़ के कुछ कर सकते हो। लेकिन वो टूर जो है शी जिनपिंग ने बहुत कम कर दिए, सिर्फ उनका फॉरेन मिनिस्टर और उनका जो है डिफेंस मिनिस्टर, ये दो ही आदमी हैं जो जाते हैं, अदरवाइज पूरा डेलीगेशन जाता है कि चाइनीज पूरा। और डेलीगेशन में जो है एक दूसरे के ऊपर स्पाई करने के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स उनके हैं। तो जो मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है वो कुछ इस तरह से बना रखा है कि इंडिविजुअल को टारगेट करना बहुत मुश्किल है, यानी एकदम इम्पॉसिबल नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ये जो ट्रैक हम कर रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन बाहर से, इनफैक्ट आपको अंदर से करने की जरूरत ही नहीं, आप बाहर से करो, आप कॉन्स्टेंटली पोस्ट करो। जैसे ग्लोबल टाइम्स यदि ये है तो और भी कोई मीडिया है, ताइवानीज मीडिया है, और भी मीडिया है जो जो कि प्रो प्रो जो है कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, उसमें आप आर्टिकल्स बार बार डालते रहो और ये प्रेस करो कि जो उनका जो प्रीमियर है नंबर टू वो एक्चुअली इतना अच्छा है, उसने ऐसे किया वैसे किया, तो जिससे कि जो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है विजावी शी जिनपिंग के। ये काम जो है अमेरिका बहुत खूबी से निभाता है, ताइवानी न्यूज़पेपर मीडिया इज कॉन्स्टेंटली डूइंग इट। हम उसमें कहाँ तक शामिल हो सकते हैं, जैसे हिंदू कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद कृष्ण में बोल रहा था, उसने क्या लिखा, और अभी 2018 में वापस आए हिंदुस्तान में, उसके बाद किताब लिखी उन्होंने, कि इतनी सेंसरशिप है किसी आउटसाइड जर्नलिस्ट के लिए उधर, कि बिना कोई आर्टिकल कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर में दिए, उनके चेक किए, वो पब्लिश हो ही नहीं सकता अंदर। या कोई भी मटेरियल आप चाहते हो बाहर निकले तो इट गोज थ्रू अ वेरी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इन चाइना। और ये आयन कर्टन का जो हिसाब किताब है उनका, इसके कारण जो है चाइना के अंदर किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को या किसी को चाइना के खिलाफ कुछ बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। जो कुछ हो सकता है वो बाहर से हो सकता है, और बाहर से काफी अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप कहीं से भी कैचअप कर सकते हो, कि बहुत से ऐसे स्टेशन हैं जो कि विल बी वेरी हैप्पी इन चाइना टू कैचअप ऑल दीज न्यूज। सो मैं ये कहूंगा कि दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, मैं एक इसके ऊपर एक रिमार्क पास करके फिर हम हमारा टॉपिक बदली करते हैं। मैं बहुत खुश होऊंगा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इस देश के अंदर, अगर उन्हें चाइना के अंदर अपना ब्रांच खोलने का मौका मिले, और हमारी जो थॉट प्रोसेस इंडियन की है अगर वो वहां पहुंच जाए, कांग्रेस की है, शिवसेना की है, शरद पवार की, एनसीपी की है, तो बहुत अच्छी ये थॉट प्रोसेसेस है। अगर ये चाइना में अपनी ब्रांच खोले तो बहुत अच्छा हो सकता है। चलो पता नहीं ये होगा कि नहीं, शायद हमारे इस जिंदगी में भी हो जाएगा ये, कि हम देखेंगे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की वहां ब्रांच खुल गई है। ओके, मैं आज का जो दूसरा इम्पोर्टेंट विषय है उसके ऊपर आ जाऊंगा, वो ये है कि चाइना की इकोनॉमिक वीकनेसेस। एक मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की, और उसके सिवा एक साउथ ईस्ट एशिया का एक थिंक टैंक था, उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसपे उन्होंने चाइना की इकोनॉमी के बारे में 4-5 बड़े मुद्दे उठाए हुए हैं। मैं उसको शॉर्ट में बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम चाइना की इकोनॉमी की क्या वीकनेसेस है, स्ट्रक्चरल है, करंट है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो वो बोल रहे थे कि उनकी जो इन्फ्लेशन है, यानी कि कॉस्ट एट विच द प्राइसेस आर राइजिंग, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। नंबर दो, उनके जो एक्सपोर्ट्स है ये काफी कम हो रहे हैं। नंबर तीन, उनका जो अपना जो वर्ल्ड ट्रेड दुनिया के साथ चल रहा है इसके अंदर काफी कम हो गई है। नंबर चार, उनके जो रॉ मटेरियल्स है, खास तो स्टील का एग्जाम्पल लीजिए, झगड़ा हो गया उनका शुरू ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो अभी वहां से ना उनको आयरन ओर मिल रहा है।
उनकी पावर सेक्टर में शॉर्टेजेस आ रही है क्योंकि कोल सब वो बाहर से लाते हैं पावर जनरेशन के लिए। आज भी चाइना का जो कोल फायर्ड पावर स्टेशन है उनकी तादाद काफी ज्यादा है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। तो उनकी इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत है। और सबसे बड़ी चाइना की प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये है कि चाइना की इकोनॉमी, ये मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एक ओपेक इकोनॉमी है। ये कुछ चीजें जो अपनी जो स्टैटिस्टिक्स है ये फज करते रहते हैं। जब तक इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी ना हो, जब तक एक्सपर्ट को ये पता ना लगे कि हमारी चीज कहाँ पे गलत हो रही है, तब तक आप करेक्टिव फैक्टर्स जो है वो लगा नहीं सकते हैं। जैसे अभी हमारे देश में पता लग गया कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंक के अंदर वो बढ़े हुए, तो अच्छी बात है। अगर आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है तो अभी हम कंपनीज तैयार कर रहे हैं जहाँ पे ये एनपीए हैंडल किए जाएंगे और फिर मोर साइंटिफिकली ये एनपीएस को हम लिक्विडेट कर पाएंगे। तो आपकी तरफ से चाइना की इकोनॉमी की क्या वीकनेसेस है और इसे हम किस प्रकार से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जनरल गडकरी? आपने सही कहा कि चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जानने में कि उनके इकोनॉमिक फिगर्स एक्चुअली में क्या हैं, ये किसी को मालूम नहीं। ये सब कंट्रोल होते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। क्या चाइना की इकोनॉमी वाकई में अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, कितनी बुरी चल रही है, जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ मैं, और यहाँ क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कम होंगे, मैं आप सिंपल तरीके में कोशिश करूंगा बताने के लिए कि क्या प्रॉब्लम। पिछले 2 साल से आप देख रहे हो कि पेंडेमिक के कारण जो है, एक तो बिजनेसेस बंद है, सब बिजनेसेस बंद हैं। बिजनेसेस क्यों बंद हैं? क्योंकि डिमांड नहीं है। यदि डिमांड नहीं है तो एडिशनल सप्लाई का कोई मतलब नहीं है। डिमांड क्रिएट करोगे तभी सप्लाई केटर करेगा। दूसरा है कि चाइना को ज्यादातर लोग मानते हैं कि चाइना की तरफ से ये कोरोना वायरस चालू हुआ है, और उसी के साथ जो ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया था, ये दोनों को मिला के वेस्टर्न यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन्होंने चाइना को तकरीबन बायकॉट कर रखा है फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग शुड आई से प्रैक्टिसेस या ट्रेड डील्स। अभी आप कि जो सामान जाता था, मान लो 100 रुपए का सामान जाता था प्री पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक वो आके 50 पे आ गया, तो आपकी कैपेसिटी जो थी 150 की थी, तब आप 100 बाहर बेचते थे, 50 अंदर लेते थे। अभी क्या हो गया है कि आपकी कैपेसिटी मान लो उतनी है 150 की, लेकिन डिमांड बाहर की जो है वो 50 पे आ गई, 25 पे आ गई। आपकी इंटरनल डिमांड भी कम हो गई क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं। तो कैपेसिटी आप 150 पे है लेकिन डिमांड आपकी 75 पे पहुंची, जिसके कारण क्या हुआ, आपके जो है सरप्लस 75% जिसे कहते हैं इन्वेंट्री हो गई, इसको इन्वेंट्री बोलते हैं, जो सामान पड़ा हुआ है को खरीद नहीं रहा। ये क्या हो गया, ये ब्लॉक कर दिया, इसने क्या किया, कैपिटल को ब्लॉक कर दिया। अभी ऐसे हालात में आप इकोनॉमी को कितना भी बूस्ट क्यों ना दे, वो इकॉनमी ऊपर आ नहीं सकती। जब तक इकॉनमी ऊपर आने का सबसे मेन अहम मुद्दा यही है कि डिमांड क्रिएट करो, उसको किसी ना किसी को बेचो। यदि आप बेच नहीं पाओगे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जिसके कारण कि जो फिगर्स मेरे पास हैं, सब पिछले साल पहली बार चाइना का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था। चाइना का करंट अकाउंट 10%। करंट अकाउंट का मतलब क्या है? करंट अकाउंट का मतलब जो है, जो जो आप बाहर से मंगाते हो, जो आप बाहर बेचते हो और जो पैसा बाहर से आता है, इन सबका यदि आप माइनस और प्लस करो तो जो माइनस होगा तो माइनस डेफिसिट हो जाएगा, प्लस होगा तो सरप्लस। तो पहली बार वो डेफिसिट चला गया जबकि 10% पॉजिटिव होता था। जब आपको करंट अकाउंट डेफिसिट चल जाता है तो इसका मतलब उसको आपके इकोनॉमी से पैसा लगाना पड़ता है। दूसरी बात, ये तो करंट अकाउंट की बात है। करंट अकाउंट ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट अच्छी तरह समझेंगे। आई लीव दैट करंट अकाउंट। बजट, बजटरी डेफिसिट, बजट सब समझते हैं। चाइना का बजट डेफिसिट जो है, बजट का फिस्कल डेफिसिट जो उनका ऑफिशियल फिगर है, वो
3.1%, 3.2%, एक्चुअल फिगर 10%, क्योंकि 7% जो है वो बताते नहीं, नॉन गवर्नमेंटल है। 10% फिस्कल डेफिसिट का मतलब है इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है तकरीबन 6.4, 6.5 के आसपास चल रहा है, तभी भी हम इतना शोर कर रहे हैं। चाइना का जो है 10% पॉइंट, उसके साथ यदि आप देखो चाइना का जो है डेट इकोनॉमी को जब आप देखते हैं तो कुछ दायरे में आप उसको एग्जामिन करते हैं। जीडीपी एक दायरा है, फिस्कल डेफिसिट दूसरा दायरा है, उसका फॉरेन डेट आपका टोटल डेट कितना वो तीसरा दायरा है, डिमांड कितना क्रिएट करते वो चौथा दायरा है। तो इसमें चारों दायरों में तकरीबन चाइना जो है पीछे पड़ रहा है। उनका जो है डेट जो चल रहा है आजकल 280% ऑफ द जीडीपी डेट चल रहा है। अभी डेट क्या होता है, हर एक कंट्री डेट, अमेरिका इज द हाईएस्ट डेटर कंट्री, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन चाइना का भी डेट बढ़ते 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 जो है 280% ऑफ अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी आप देखो कितना होगा। क्योंकि क्या है, आप पैसे दिए जा रहे हो अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, सबको लोन दिए जा रहे हो, पैसा कहाँ से आएगा? आपके नोट छापते रहोगे। नोट तभी छाप सकते हो जब आपका डिमांड कोप अप कर रहा है, आपको जो सप्लाईज जा रही है पैसा बाहर से आ रहा है, डॉलर आपके पास आ रहा है। पिछले 2 साल में ये सब बंद हो गया। एक तो चाइना का जो है सुपरफ्लूस इकोनॉमी भले ही अभी आज आज के फिगर में दिखा रहा है कि 6% से ग्रो हो रहा है, ग्रो भले ही हो, लेकिन जब तक चाइना डिमांड क्रिएट नहीं करता है बाहर के देशों में या इंटरनली, इनफैक्ट अभी चाइना ने कोशिश ये की कि इंटरनली डिमांड को रेज करे। इंटरनली चाइना डिमांड इसीलिए रेज नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके जो पॉवर्टी इंडेक्स जो नॉर्मल पीपल हैं अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सो इतना सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। और सिंपल वर्ड्स में इसीलिए चाइनीज इकोनॉमी ट्रबल में है कि उनकी इन्वेंट्रीज बढ़ गई हैं, उनके डिमांड बाहर से कम हो गई है, पैसा उतना ही लगा रहे हैं वो। BRI देख लो, BRI जो है 64 कंट्रीज में BRI ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव, ब्रिज एंड BRI का मतलब ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इतना पैसा लगाया चाइना ने। पाकिस्तान में जो 62 बिलियन का CPEC जो प्रोजेक्ट आपने सुना होगा फेल हो गया, 64 कंट्रीज में BRI मैक्सिमम कंट्रीज में फेल होगा, पैसा लगाया उसका रिटर्न नहीं आ रहा। चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बता दिया है गवर्नमेंट को भी इससे ज्यादा अभी हम पैसा दे नहीं सकते क्योंकि उसका रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है, हम कितना बारो करते रहेंगे। सो चाइना का बेसिक जो इकोनॉमी है इसके कारण, अब कोई भी आपको पेपर में कुछ भी बताए लेकिन आप ये समझ लो कि बेसिक जब तक चाइना जो है डिमांड क्रिएट नहीं करता है तब तक बहुत मुश्किल है इकोनॉमी को बूस्टअप करना। आपने दो बड़े महत्व के मुद्दे उठाए कि एक तो चाइना की इकोनॉमी की जो ओपेक स्थिति है इसके कारण बहुत सारी फ्रैक्चर फिगर्स हिडन हो रही है जिससे चाइना का इंटरनल डेट बढ़ रहा है, एक्सटर्नल डेट बढ़ रहा है, डिमांड कम है वगैरह वगैरह। और आपने एक मुद्दा उठाया कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या जिसे वन बेल्ट वन रोड बोला जाता है वगैरह, तो उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट $6.5 ट्रिलियन इतना खर्चा किया है और इससे जो रिटर्न है वो जीरो नहीं है, वो निगेटिव है। अभी हर एक ये 64 देश जिनका आपने नाम लिया ये सब बोलते कि हम ये पैसा वापस नहीं कर सकते। और जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ था जिसमें $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तब तो मैं बड़ा खुश हो गया था कि अगर ये इस प्रकार का रोड अगर वो पाकिस्तान में बनाना चाहे तो वो तो पाकिस्तान को इस रोड की जरूरत क्या है, उनकी सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है दहशतवाद और दहशतवादियों के लिए रोड की तो कोई जरूरत नहीं है। तो आज ये माना जाता है कि इस रोड की 1% भी कैपेसिटी आज CPEC कॉरिडोर की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की इस्तेमाल नहीं हो सकती और यही हाल है बाकी के इसका। तो मेरे ख्याल से वो अपना जो उन्होंने जाल बनाया है वन बेल्ट वन रोड का उसमें वो खुद ही फंस रहे हैं। तो ये तो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि उन्होंने ये कोलंबो का पोर्ट ले लिया तो हम कुछ हमारे स्ट्रेटेजिस्ट डर गए, कह रहे अभी चाइना हमारे से 300 किलोमीटर के ऊपर चाइना का लोग आ गए हैं। लेकिन इस कोलंबो पोर्ट या हम्बनतोता पोर्ट में वो सोचते थे कि हर साल 5,000-6,000 शिप्स आएंगे क्योंकि उतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और आते कितने, 5-6 शिप्स आते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक वाइट एलिफेंट बन गया है उनके ये सभी जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा उनके इकोनॉमिक के बारे में, वो ये कि अभी ये G7 की मीटिंग चल रही है। G7 का मतलब दर्शकों को मैं बता दूं कि ये ग्रुप ऑफ 7 है जो दुनिया की सबसे जो 7 बड़ी इकोनॉमी है उनके ये देश एकत्र आ गए हैं और उनकी मीटिंग शुरू है आजकल और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसने आज मेरे ख्याल से बात करने वाले हैं। तो ये इसके अंदर एक चीज जो बड़े सामने आई कि मैं ये बोलता हूँ कि ये G7 मीटिंग कुछ क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के मुताबिक है,
कि यहाँ पे ये G7 जो देश है अपने इकोनॉमी को चाइना की इकोनॉमी से डीकपल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अमेरिका है, यूरोप है, चाइनीज इकोनॉमी के चक्रव्यूह में इस प्रकार से फंसा हुआ है कि वहां से उनको बाहर निकालना ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है। तो ये जो डीकपलिंग करने का एफर्ट शुरू हो गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसके बाद अभी हम हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत के नाम के अपन हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, और बाकी सारे देश कम कोई ज्यादा इस प्रकार बात कर रहे हैं। तो डीकपलिंग का ये जो एफर्ट चल रहा है चाइनीज इकोनॉमी के साथ, इसमें कितनी कामयाबी मिली है इसके ऊपर आपके एक कमेंट्स मैं आपसे इनवाइट करना चाहूंगा। और दूसरा कि जो हम ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं, इसमें पिछले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कितनी सक्सेस मिली है? क्योंकि एक बात तो अच्छी यह है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ वो तकरीबन इस साल $20 बिलियन से कम हो गया है। तो शायद आत्मनिर्भर भारत ये थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ रहा है, खैर हमारी स्पीड शायद बुलेट कार्ड की होगी, लेकिन बढ़ तो रहा है आगे। तो इन दो विषय के ऊपर, डीकपलिंग और आत्मनिर्भर भारत। ये जो सवाल आपने पूछा है ये बहुत बहुत ही अहम सवाल है। ये G7 मीटिंग पहला मीटिंग है आफ्टर जो पेंडेमिक चालू हुआ था उसके बाद, और इसमें बहुत अहम मुद्दे डिसाइड होंगे। सब चाहते हैं चाइना के साथ डीकपलिंग करने के लिए। उसका कारण एक तो ट्रेड वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चलाया था, और जो बाइडेन सरकार ने भी बोला है कि हम इसके ऊपर रिलेंट नहीं करेंगे। और वेस्टर्न यूरोप में बहुत जिसे कहते हैं एंग्विश है, नाराजगी है, बहुत गुस्सा है उनके ऊपर। जिस तरह से चाइना ने एक्सपोर्ट किया है कोरोना उनके यहाँ, और इटली, खासकर इटली वॉज द फर्स्ट कंट्री, और इटली से बाकी जगह पे आ गए, तो उनको वो जो जो अंदर जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है इकॉनमी में। और वो चाहते हैं कि किसी किसी तरह से चाइना को पनिशमेंट मिले। अभी प्रॉब्लम जो डीकपलिंग की बात कर रहे हो, चाइना क्यों इतना इतना इम्पोर्टेंट अहम बन गया था? एक तो कि जो इंडस्ट्री थी वेस्टर्न कॉरपोरेट्स जो थे उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सब जो है चाइना हांगकांग में बना रखी, क्योंकि जब बनाया था उस समय लेबर कॉस्ट इन चाइना वॉज वेरी कंपेटिटिव। लेबर कंपेटिटिव भी था और लेबर स्किल भी, कंपेयर टू कोई भी किसी भी और कंट्री की से लेबर कंपेटिटिव एंड स्किल्ड। पैंडेमिक के पहले ही, पैंडेमिक इसमें शामिल मैं नहीं कर रहा हूँ, लेबर कॉस्ट चाइना में अभी कंपेटिटिव नहीं रह गई है। लेबर जो है अभी कॉस्ट मांग रहा है उतनी ही जो किसी दूसरे देश में मांगते हैं। तो किसी न किसी कारण से जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वेस्टर्न कंपनीज की वो इफेक्ट कर रही थी, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपस्टिक करना चाइना से और बाहर ले जाना एक प्रॉब्लम था। दूसरा, और उन्होंने क्या किया, दूसरी है उनका रेयर अर्थ मिनरल्स। अनफॉर्चुनेटली चाइना के पास, और चाइना की इतना इतना बड़ा देश है, कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि कहीं और विदेश में इतनी मात्रा में या इतने सस्ते में नहीं मिलते हैं। और इसीलिए चाइना का जो है होल्ड है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, जो कि डिक्टेट करता है बेसिकली कंप्यूटर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री को। कंप्यूटर हार्डवेयर है जो, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो है सिलिकॉन चिप्स जैसे जैसे एक शब्द है उसमें वो बहुत उनका क्या कहते हैं कंट्रोल है। और इसीलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फॉरेन कंपनी जैसे एप्पल है या माइक्रोसॉफ्ट है या कोई और जो हार्डवेयर कंपनीज हैं वो चाहते हैं कि वहां से डीकपल करें, उनको ऑल्टरनेट या तो सोर्स या ऑल्टरनेट जगह जो है अभी ढूंढने में टाइम लगेगा। कहते हैं कि काफी जो है चाइना का बिजनेस इंडिया में आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अंदेशा दिख नहीं रहा है कि लार्ज स्केल में चाइना से इंडिया बिजनेस शिफ्ट हो गया है। एक कारण ये हो सकता है कि अभी तक लोगों के दिल में यही है कि पेंडेमिक तो खत्म ही नहीं हुआ है, क्या इफेक्ट होगा, थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, कब वैक्सीनेशन होगा। तो जिसे कहते हैं अभी हम इस दायरे से गुजर रहे हैं, तो कोई प्रीमेच्योरली ये स्टेप लेना नहीं चाहता ऐसा जिसका कि उनको बाद में फिर उनको मुश्किल हो कि एक एक देश से इंडिया में आ गए, फिर इंडिया से किसी और देश में जाना पड़ा उनका। इसीलिए अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी ज्यादा चल रही है। इवन G7 में जो कि अभी इन्होंने क्या कहते हैं
आज इंट्रक्शन मंडे मंडे पुतिन एंड जो बाइडन अ मीटिंग मंडे को उनका चालू हो रहा है. जो भी डिसीजन होंगे और लोग ये कहें जो भी डिसीजन होंगे इट विल जो डिसीजन होंगे एक रोड मैप होगा. कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं होगा जो कि एग्जीक्यूटिव होगा कि इसको इसका पालन किया जाए. ये एक रोड मैप चॉकआउट करेंगे कि पैंडेमिक के कारण क्या नुकसान हुआ है और वर्ल्ड कहाँ जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किसके साथ हम सहयोग कर सकते हैं. चाइना का राइवल है रशिया इन मिनरल्स, लेकिन रशिया इज एन आइडियोलॉजिकल राइवल टू यूएस. तो ये सब प्रॉब्लम जिसने इकट्ठा है. वेस्टर्न यूरोप इज हैप्पी विद रशिया. तो ये G7 में मेरे हिसाब से आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल लेवल पे मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस होंगे और ये देखेंगे कि रोड अहेड क्या हो सकता है और तभी आगे जाके जो है डीकपलिंग होगा. मुझे पूरा यकीन है कि डीकपलिंग होगा और उसका कारण मैंने बताया, बिकॉज चाइना बिजनेस इज नो मोर लुक्रेटिव, इतना नहीं है जितना पहले होता था. कि लेबर कॉस्ट जो है चाइना में बहुत बढ़ गई है, वो पुराने जमाने चले गए. अभी वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न इंडस्ट्रीज जो है वो लुक फॉरवर्ड करेंगी कि कहाँ लेबर कॉस्ट, लेबर जो है इकोनॉमिक्स में एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स का. तो लेबर डिक्टेट करता है कि किस तरह से बिजनेस मूव करे और लेबर इज वन ऑफ ये मेजर कारण होगा कि बिजनेसेस जो है चाइना से मूव करके इंडिया, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, ये जो मार्जिनल कंट्रीज हैं इनमें आ जाए, क्योंकि इनमें जो है सबसे ज्यादा और होगा साउथ एशिया में, क्योंकि साउथ एशिया इज द पिवट फॉर कमिंग, होगा साउथ एशिया में. लेकिन कहाँ एग्जैक्टली साउथ एशिया होगा टाइम विल टेल. अभी ये वेट एंड वॉच पॉलिसी चलेगी. अभी हमारा समय खत्म हो रहा है, लास्ट 5 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि चाइना की इकोनॉमी की मैं सोचता हूँ कि एक बड़ी वीकनेस है, वो है कि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी या उनको जो एनर्जी लगती है वो ना उनके पास कैश पूरा है ना तेल पूरा है, इसलिए जो मलक का डिलेमा की हम बात करते हैं वो है ना, उनके पास हाइड्रल पावर पूरा है वगैरह वगैरह. तो एक उसके ऊपर थोड़ा नजर डालें और आपके क्लोजिंग रिमार्क्स में थोड़ा ये भी बताइए कि चाइना की वीकनेसेस तो बहुत है, लेकिन चाइना ने जिस प्रकार का मॉडल किया, जिस प्रकार से उनकी इकोनॉमी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाई, तो हमारा देश भारत उनसे क्या सीख सकता है? क्योंकि देखिए कि चाइना को हम एनिमी नंबर वन है, इस पे कोई डाउट नहीं है, बट द फैक्ट इज कि लर्न फ्रॉम देम पड़ी हुई है, तो उनसे हम क्या सबक सीख सकते हैं, थोड़ा इस विषय के ऊपर आपके पास तो 2 कमेंट्स एंड देन क्लोजिंग रिमार्क्स. जहां तक एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है कि ये अपने आप थोड़ा हद तक चाइना की एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो गई है, क्योंकि मैंने सवाल आपको मैंने जवाब आपको दिया था कि डिमांड ही कम हो गई है. तो इंडस्ट्रीज जो कि 110% पे चलती थी अभी 70% पे चल रही है, 80% पे चल रही है, ज़्यादा ज़्यादा 100% पे चल रही है, तो ऑटोमेटिकली. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई. चाइना की एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी है और उनका डिलेमा भी वही है, और इसीलिए चाइना ने जो है जो CPSC कॉरिडोर को उन्होंने इतना जो महत्व दिया है, अहम उन्होंने मुद्दा बनाया है, वही है कि जो पूरा जो लाइन है उनका मिडिल ईस्ट से जो शिपिंग आती है और पूरा साउथ चाइना सी के थ्रू, ईस्ट चाइना सी के थ्रू आगे जाती है, उसको यदि कट करके उन्होंने CPSC के थ्रू ले जाएं तो उनके लिए बहुत फायदा होगा. लेकिन CPSC जो है ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है. तो ये चांसेस कि चाइना CPSC के माध्यम से अपना ऑयल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेगा, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. तो आने वाले समय में चाइना को मिडिल ईस्ट रूट से लेके साउथ चाइना सी और सुंदा बे और वहां से लेकर ही जाना पड़ेगा. लेकिन चाइना कर क्या रहा है? चाइना कर रहेगा और इसीलिए ईरान के साथ चाइना ने अपने संबंध बहुत, जो द लायन ड्रैगन ट्रीटी हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, लायन ड्रैगन ट्रीटी का मतलब क्या था कि चाइना बिल्ड करेगा ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान चाइना को बदले में देगा ऑयल. तो कॉस्ट ऑफ ऑयल जो है चाइना ने कम कर दी है विद दिस. मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल फॉर चाइना इज ईरान. अभी चाइना का प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ऑयल का डिस्टेंस तो है ही है, लेकिन दैट इज ज्योग्राफिकल, उसके लिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं. लेकिन उसके साथ साथ उसका कॉस्ट बढ़ रहा है और कॉस्ट बढ़ने से क्या हो रहा था कि कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ प्रोडक्ट वॉज रिड्यूसिंग, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता. ये डील करने के साथ क्या हुआ है कि यदि आपको एक ऑयल बार्टर में मिले तो सस्ता मिल सकता है, और वो ऑयल को आप जब इस्तेमाल करोगे तो आपको कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा. आप लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन
फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी हालत में चाइना, और ये है मेरा लास्ट पॉइंट जो था कि ये है चाइना की अनफॉर्चुनेट ज्योग्राफी। चाइना की ज्योग्राफी एक ऐसी ऐसी चीज भगवान ने उनको दी है जो उनको इनहिबिट करता है, अंग्रेजी में शब्द इनहिबिट का मतलब उनको रोकता है सुपर पावर बनने से। एनर्जी रिक्वायरमेंट यदि आपने बंद कर दी तो ऑयल पहुंचेगा नहीं, तो ये कारण है कि चाइना का जो है सुपर पावर स्टेटस उनका ज्योग्राफी के कारण काफी हद तक जो है वो रुक रहा है। लेकिन उन्होंने इसीलिए अभी अब साउथ चाइना सी में क्यों इतना धड़पड़ हो रही है, उसका कारण ही है वो नहीं चाहते भी किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में उनके ऑयल सप्लाई जो मलाका डेलमा साहब ने बोला था उसको वो बंद हो जाए। और इसीलिए चाइना ने अपने लिए एक नाइन डैश एक शब्द है नाइन डैश लाइन कि पूरे जो आइलैंड हैं जो सराउंड करते हैं साउथ चाइना सी को चाइना ने क्लेम कर लिया है वो हमारे, और जिससे कि वो सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी को जो है बनस्पत बनाए रखते हैं उसके उसके कारण। तो ये काम एनर्जी के लिए चाइना की वल्नरेबिलिटी 100% रहेगी आगे भी, लेकिन जिसे कहते हैं आप प्रॉब्लम को यदि आप आइडेंटिफाई करते हो तो उसको कोई कोई ना कोई कदम करो लो उसको सॉल्व करने के लिए। तो चाइना इस तरह से सॉल्व कर रहा है, सीपीसी मैंने बनाया, ईरान के साथ जो है लॉ एंड ड्रैगन ट्रीटी कर रहा है, नाइन डैश लाइन के कारण साउथ चाइना से मैं अपने सुप्रीमेसी बना रहा है और इंश्योर कर रहा है कि हमारी जो है लाइन ऑफ एनर्जी सप्लाई है वो बनी रहे। आखिरी जो आपने और मे बी क्लोजिंग रिमार्क हो सकता है कि चाइना अपना एनिमी नंबर वन हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन आपको ये दाद देना पड़ेगा कि जिस तरह से चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को अपनी इकोनॉमी को बढ़त दी है वो काबिले तारीफ है और अपने को कुछ ना कुछ उससे सीखना जरूर चाहिए। उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको लोग बहुत उसके सोल्यूशन देंगे ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन जो मैं वो किताब पढ़ रहा था उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो उसने दी थी जो कहीं मैंने नहीं पढ़ी, चाइना की इकोनॉमी का जो आज जो हाइट पे उसका एक सिंपल कारण ये था कि 25 साल पहले चाइना ने अपने गांव में स्कूल्स बनाए थे, इंस्टीट्यूट्स खोले थे। जो स्किल्ड लेबर कहते हो आज आप, वो चाइना ने 20 साल पहले चालू किया। 20 साल की जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग से करते 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 आज जो है गांव से लेबर फोर्स आती है सिटीज में जो कि इस्तेमाल होती है मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये लोग इसको होकर क्या कहते हैं चलाते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जबकि आपका लेबर स्किल्ड हो या एबिलिटी टू गेट स्किल्ड। इंडिया में क्या है, इंडिया में एजुकेशन लेवल कंपेरेटिवली बहुत लो है, गांव में एजुकेशन है नहीं। जब तक आप इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाओगे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि आपको एबिलिटी नहीं देगा स्किल लेबर की, आप कितने भी बड़े मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्किल लेबर, कल आप यदि टैंक बनाने जाओ या रॉकेट बनाने जाओ या क्या कहते हैं कोई टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर वेपन बनाने जाओ, आर्टरी गन भी इतनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर है कि उसके लिए बहुत सुपीरियर क्या कहते हैं स्किल लेबर लगता है। वो मास है लेकिन सिटीज में वी रिक्वायर मास लेबर जो कि आप 10 इंडस्ट्रीज बनाओ, एक इंडस्ट्रियल हब खोलो 10 जगह। चाइना ने क्या किया, इंडस्ट्रियल हब्स खोले ना हर एक सिटी में, एक एक बना दिया और कहां से लाए, सब गांव से ले, क्यों किया 10-20 साल पहले उन्होंने। तो बाकी बहुत से रीजन है, पॉलिटिकल सिस्टम इज आल्सो वन रीजन, एबिलिटी टू फंड इज अनदर रीजन, बैंकिंग सिस्टम उनका जो है बहुत गवर्नमेंट चलाता है जल्दी से उनको मिल जाता है, गवर्नमेंट परमिशन दे देता है, तो ऑल दिस तो इकोनॉमी रीजन है, लेकिन ये जो सिंपल सिंपल रीजन है वो हम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम इन ओन पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि इस पॉलिटिकल सिस्टम में आप एजुकेशन पॉलिसी को और ऊपर बढ़ाओ, स्किल लेबर को और बढ़ाओ, तो 10 साल बाद एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। सो आई विल देयर आर बहुत से कारण है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण मेरे को लगा एजेंडा है जिससे कि अपन अपने इकोनॉमी को आगे आने वाले दिनों में जरूर स्किल लेबर जो है दे सकते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रीज और खास करके मेक इन इंडिया इंडस्ट्रीज जो है उसको यदि बढ़ावा मिले तो स्किल लेबर और नॉट ओनली स्किल लेबर बट टेक्निकली क्वालिफाइड लेबर जो मिलना है उस एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ने से ही। आज हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया चाइना की इकोनॉमिक एस्पेक्ट का, इसीलिए कि अभी समय खत्म हो रहा है मैं दो कमेंट सिर्फ ऑफर करना चाहता हूँ कि चाइना से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे आपने बोला स्किल इंडिया, स्किल जो उनका स्किल है वो सीख सकते हैं, चाइनीज जो
लेबर है दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव इन द वर्ल्ड। तो हमारे देश में भी हमने स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें अनस्किल्ड लेबर के लिए प्रोग्राम है, सेमी स्किल्ड के लिए है, स्किल्ड लेबर के लिए है, लेकिन उसकी व्याप्ति या उसका जो दायरा है वो काफी बढ़ाने की शायद जरूरत है ताकि हमारी लेबर की जो जो कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, वो चाइनीज के साथ तुलना करे। दूसरा, उनकी लैंड कॉस्ट ये बहुत ही कम है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी हर एक चीज में काफी ज्यादा है, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी यह है। तो चाइना की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए बहुत सारे कारण है। टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने ब्रेक बोरो स्टील नाम का कॉन्सेप्ट फॉलो किया हुआ है, मतलब वो हर एक तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सिंगल माइंडेडली आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल से चाइना से हम एक सबसे बड़ा सबक वो ये ले सकते हैं कि आज हमारे देश में जो जितनी सारी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रही है, एक दूसरे से झगड़ा करना किसी के लिए बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजन, ये सब रोको और अगले 100 साल किसी भी जो डिस्प्यूटेड चीज है उसके ऊपर बातचीत ही मत करो। ओनली फोकस ऑन डेवलपिंग योर इकोनॉमी सो दैट यू इंडियंस गेट जॉब, इंडियन इकोनॉमी बिकम प्रोडक्टिव एंड इन द लॉन्ग रन वी विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ फाइट विद चाइना इन अ मच बेटर मैनर। तो बस अभी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जनरल गडकरी आप यहाँ आए, धन्यवाद। हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत की, मुझे भरोसा है कि ये वीडियो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो रुकते हैं यहीं पे, धन्यवाद और जय हिंद।